तो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज के वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या लाइटनिंग एलड्रैगो ये वन ऑफ द बेस्ट बेब्लेड है या नहीं। तो गाइस लाइटनिंग एलड्रैगो मेटल फ्यूजन में रिलीज हुआ था और मेटल फ्यूजन में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बेब्लेड था। और ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है ये मेटल फ्यूजन में खत्म नहीं हुआ। मैंने इसको टेस्ट किया है तो गाइज ये मेटल फ्यूरी तक भी बेब्लेड्स को हरा सकता है। और आज हम वही टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये कंसिस्टेंटली ऐसे कर सकता है कि नहीं। तो गाइज चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज फर्स्ट हमारा अपोनेंट होगा, थोड़े मेटल फ्यूजन बेस हम यूज करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट अपोनेंट है फ्लेम लिब्रा। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ये तो गाइस फर्स्ट शॉट में फ्लेम लिब्रा को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया है, तो खतरनाक था ये तो। गाइस नेक्स्ट हमारा अपोनेंट है डार्क बुल। गाइस देखते हैं डार्क बुल के साथ क्या होता है। वैसे तो डार्क बुल काफी घटिया बेब्लेड है। शायद से BB10 स्टेडियम होता तो अभी तक बाहर उड़ गया रहता था, पर हम आज थोड़े एक्सट्रीम रूल्स फॉलो कर रहे हैं नो नॉकआउट स्टेडियम में। थोड़े टाइम के बाद BB10 स्टेडियम में भी शिफ्ट कर लेंगे, देखेंगे क्या होता है। इसमें हमारे लाइटनिंग एलड्रैगो की स्पिन स्टीलिंग कैपेसिटी भी पता चलेगी, क्या वो कर सकता है क्या। यस लाइटनिंग एलड्रैगो यहाँ पे जीत जाता है। तो गाइस नेक्स्ट बेब्लेड है अर्थ ईगल। अर्थ ईगल क्या देखते हैं क्या होता है। वाओ ईगल एक अलग ही टेक्निक यूज कर रहा है, क्या कॉर्नर, मतलब ओ हो भाई वो एक अलग ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। गाइस ईगल बिल्कुल भी कांटेक्ट में आने का ये नहीं ले रहा। यार लाइट कम हो गया लगता है रूम में। हाँ अभी ठीक है। और यहाँ पे ईगल ने पूरा एक 180 एक टिल्ट एंगल लिया है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट गाइस रे कैप्रिकॉन को ट्राई करेंगे। और यहाँ पे गाइस अर्थ ईगल जीत जाता है। काफी इंटरेस्टिंग बात थी, लगा था कि हमारा बेब्लेड जीत जाएगा बट नहीं, ऐसे नहीं हुआ। ओ यार ये रिकॉइल इतना ज्यादा है कि बेब्लेड फर्स्ट कांटेक्ट में ही उड़ जाता है। मतलब इतना ज्यादा रिकॉइल लेवल के बाहर है, ये रिकॉइल जबरदस्त है, मजा आ जाता है ये रिकॉइल को देखने को। तो गाइज अभी हम अपना बाकी मेटल फ्यूजन बेस का बॉक्स और मेटल फ्यूरी वेवलेट्स का बॉक्स खोलते हैं। यार ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर यहाँ पे ही पड़ा हुआ है, तो ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को ट्राई करके देखते हैं राइट स्पिन में क्या होता है। लेफ्ट स्पिन में पहले करते हैं। यहाँ पे एलड्रैगो काफी मतलब डैमेज्ड सा फील हुआ मुझे, काफी उड़ गया एलड्रैगो एक्चुअली बाहर। एक काम करते हैं, चलो गाइस स्टेडियम चेंज कर लेते हैं, हम BB10 में जाते हैं ऐसे ही। मतलब क्या है, अभी मेरे पास ओवरऑल 6 से 8 स्टेडियम है, तो मैं अलग अलग वीडियोस में ट्राई करूंगा कि मैं अलग अलग स्टेडियम्स यूज करते रहूं। तो गाइस चलिए BB10 स्टेडियम के में शिफ्ट होते हैं और वापस ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को अब राइट रोटेशन में ट्राई करते हैं क्या होता है। BB10 का एक ही प्रॉब्लम है, BB10 में हमारा अटैक टाइप बेब्लेड जो है वो KO हो जाता है इजीली। वाओ ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर जस्ट बच गया गाइस, जस्ट मतलब एकदम छोटे से मार्जिन से ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर यहाँ पे बच गया है।
नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे रेगिल, और यहाँ पे ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर गाइस जीत जाता है। तो गाइस रे गिल को ट्राई करते हैं। अभी हम मेटल फ्यूजन को छोड़ के मेटल मास्टर्स में आ गए हैं। मेटल फ्यूजन बेबलेट को तो हाँ ये हरा ही सकता है मेरे हिसाब से। यस, तो गाइस फाइनली लास्ट मोमेंट पे एक नॉकआउट देके उड़ा दिया है। गाइज नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, चलो गाइज बीटलिंग्स को ट्राई करते हैं, हम फ्यूरी भी ट्राई कर लेते हैं। क्या ये मेटल फ्यूरी वेवलेट्स को हरा सकता है कि नहीं? एल्ड्रैगन का स्पिन काफी कम हो गया था, बट फिर भी मेरे हिसाब से ये स्पिन स्टीलिंग कर रहा है यार। यार हैसब्रो वाला मीटियो एल्ड्रैगो स्पिन स्टीलिंग के लिए सबसे बेस्ट है, टकाराटोमी वाला नहीं। ओह तो गाइज यार ये बैटल वापस करके देखना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग सा बैटल था ये। तो गाइज शियर वेट के दम पे बीटलिंग्स नॉकआउट तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, बट यहाँ पे काफी अच्छा एल्ड्रैगो काउंटर कर रहा है बीटलिंग्स को, और यहाँ पे स्पिन स्टीलिंग का काफी चांस था बट नहीं हो पाया। तो गाइज चलिए कोई बात नहीं, एक बार हराया जरूर। यहाँ पे हम नेक्स्ट वेवलेट ट्राई करते हैं गाइस, क्राइस एग्नस या क्रिस एग्नस, जो भी आप इसे बोलना चाहो उसे, और देखते हैं क्या होता है। वो तो गाइस यहाँ पे एल ड्रैगो खुद ही उड़ गए हैं, तो ये काफी दुखदायक बात हो गई। वैसे एल ड्रैगो के जो आगे के वेरिएशंस है, मतलब मीटियो एल ड्रैगो और हमारा लास्ट उसके बाद क्या था, हाँ एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर, वो उसमें मीटियो एल ड्रैगो कमाल का है, क्योंकि उसने एक एक स्पिन स्टीलिंग एस्पेक्ट दिया हमें। बाकी एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर तो एक बकवास वेवलेट है, कितना भी आप उसे डिफेंड कर लो चीज चेंज नहीं होने वाली, इट इज अ यूजलेस वेवलेट। बाप रे कितना रैटल कर रहा है ये, और हार भी गया गाइस क्रिस एग्नस। यहाँ पे क्रिस एग्नस हारते हुए दिख रहा है, अगर नॉकआउट नहीं कर पा रहा तो एल ड्रैगो, ओ भाई कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। अगर नॉकआउट नहीं हो रहा तो एल ड्रैगो उसे ये कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, स्पिन स्टील करके ड्रेन आउट कर रहा है, तो ये काफी तगड़ी बात है एल ड्रैगो की। स्पेशली यार ये तो गलत हो गया, इसको हम वापस करते हैं। एक सेकेंड भाई, कट गया हाथ मेरा यार। बे बैटल को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम है यार, ये तो क्रिस एग्नस ने ही एल्ड्रैगो का पाथ चेंज कर दिया। भाई लास्ट एक और बैटल करेंगे डियाब्लो नेमेसिस के साथ। डियाब्लो नेमेसिस को मुझे देखना है हारते हुए, और ये एक बढ़िया चीज होगी। वाओ इतने एंड तक भी आप देख सकते हो, रिकॉइल एंड एट द सेम टाइम डिस्टेबलाइजेशन, कितना ज्यादा भयंकर लेवल पे है एल्ड्रैगो का। इतना सा छोटा सा बेबलेड एंड में आके इस इतने भारी बेबलेड को डिस्टेबलाइज कर देता है। तो भाई लास्ट बेबलेड है हमारा ये भाई, और क्या बोला था गाइज मैंने, अगर हम इसको अटैक मोड में भी डालते हैं ना तो कोई भारी सा फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक तो ये अटैक मोड में स्टेडियम में तो रहना चाहिए यार। वो चला गया डियाब्लो नेमेसिस, जाने दो उसको, मेरे पास एक दूसरा डियाब्लो नेमेसिस भी है यहाँ पे। और ये डियाब्लो पेगासस है एक्चुअली, तो
ओ यहाँ पे 1-1 हो गया है गाइस। देखते हैं एक और राउंड करके क्या होता है। ये भी एज अ डिसाइडिंग फाइनल राउंड। वाओ तो गाइस डियाब्लो नेमेसिस ने एक दो बार जीत हासिल कर ली, बट यार इस छोटे से बेब्लेड ने आज डेफिनेटली प्रूव करके दिखाया है कि ये नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट बेब्लेड्स डेफिनेटली है स्टॉक कॉम्बो में गाइस। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइटनिंग एलड्रैगो को डेफिनेटली आपको एक कलेक्शन में रखने की जरूरत है। बॉक्स में बंद करके मत रखो, बेब्लेड्स को खेलो, एंजॉय करो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।